जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया पहले तो थी एक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सपने जो अपनी जगह है जान से ज्यादा खर्चा आया घर अपने तब नाम लगा है रास्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक भाग न होता है घर जाग न हो उससे पहले एक हौसला जाग न होता है एक सोच पे है संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं दीवार के और कोई दीवार नहीं है सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है मंजिल तक सोच के आए सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो एक खुशी का दिन है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वसादत से यकीन फाउंडेशन ने आज अवामी दस्तरखान का इनेकाद किया गया है और ये काम भी और मॉडल फार्म सेंटर की बिल्डिंग में हुआ है इस तरह है कि किसान मार्केट का अभी अवामी दस्तरखान का इनेकाद किया गया है और ये गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा से बहुत अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं और जिस पर तमाम अवाम गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा कर रहा है तो ये अहमदाबाद शहरी इलाका है और यहाँ पे लोग रोज़गार के लिए काफ़ी सारे गरीब लोग आते हैं तो कम से कम उनके लिए खाने का एक वेलफेयर स्टेट का ये फ़र्ज बनता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ हो तो इस हवाले से ये ऐसा इकदाम है मैं हैदर अली जनरल सेक्रेटरी यकीन फाउंडेशन से तालुक रखता हूँ आज हमने एग्रीकल्चर ऑफिस के साथ मिल के इधर अवामी दस्तरखान का इफ्तिताह किया जो यहाँ पे डेली के तौर पर यहाँ पे जितने भी मजदूर और जो गरीब तबका है उनके लिए हमने यहाँ पे दस्तरखान का एहतमाम शुरू किया एक मेरा कबल
گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی ہدایات پر پورے صوبے میں کسان منڈیوں کا انعقاد کیا گیا ہے اور قائم کی گئی ہے. اس طرح میزائل چوک یہ ماڈل فارم سینٹر میں بھی ایک منڈی کا قیام کیا گیا ہے جہاں سے ذمہ داروں کو سستی اور معیاری سبزیاں اور فروٹ فراہم کیا جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں آج یقین فاؤنڈیشن کی طرف سے ماڈل فارم سینٹر کے احاطے میں فری دسترخوان کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر غریب اور مزدور لوگوں کو کھانا پیش کیا جائے گا. ہم نے مانیٹرنگ کی ہے اپنی ماڈل فارم زمیندار بازار کی اور اسی کے ساتھ یقین فاؤنڈیشن کی نمائندے بھی یہاں پہ موجود تھے اور ہمارے ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر نوید اقبال خان صاحب اور میرے دوسرے اسٹاف بھی یہاں موجود تھے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے ایگریکلچر آفیسر ساجد صدیقی کے ساتھ. انشاءاللہ آپ اسٹے ٹیون رہیں, پھر بھی انشاءاللہ آپ کو آگے مل جائے گی.